गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो नहा धो के तैयार हो गए भाई, ब्रेकफास्ट हो गया, आलू की सब्जी, परांठा और कॉफी, सैंडविचेस वो सब मंगाया था। आयुष भी रेडी है। आज हमारा प्लान है जाने का काशी धाम, बहुत मानता है यार वहाँ की। और टाइम हो गया हमारा सुबह के 9:15 एज यूजुअल लेट, 8:30 बजे प्लान किया था निकलने का। और रूम से कुछ व्यू जो है वो ऐसा है, व्यूज तो अच्छे हैं यहाँ के। और यहाँ पर एक टेम्पल दिख रहा है मेरे को, ये कौन सा टेम्पल है मुझे पता है। तो निकलते निकलते वापस यार 9:30 हो गए और गाड़ी अपनी खड़ी, आयुष रेडी सामान के साथ, और फ्लावर्स बड़े अच्छे हैं यार, बहुत ग्रीनरी बहुत है। क्या ये न्योता मिलेगा इसको? हमको स्लो भाई साहब, बैठ कर ब्रेक दबाया है मैंने। ट्रैफिक अभी भी बहुत है भाई, सुबह के 9:45 हैं, बट पूरा तो क्या धीरे 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 निकल रहे हैं सारे। अच्छा ट्रैफिक है अभी भी, और लाल आ गया यहाँ पर लेक के पास। निकलना तो पूरा मॉल रोड से ही रास्ता है। गाड़ी अपनी खड़ी हो गई भाई यहाँ, और बहुत स्टीप है यार ये ऊपर से नीचे, और व्यू तो बहुत ही शानदार है, एकदम वैली के बीच में से गाड़ी खड़ी होती है ना वैसे है। नीम करौली बाबा के आश्रम, भीड़ तो है बट इतनी नहीं है मेरे ख्याल से, जल्दी नंबर आ जाएगा। सुना है मैंने कि लगता है भीड़ है बट 10 मिनट लगते हैं मुश्किल से। कल होगी, कल मंगलवार है ना, दर्शन हमने कर लिए, बहुत बढ़िया। गर्मी हो गई है यार, धूप बहुत तेज है, गाड़ी बहुत गंदी है, धुलेगी तो अभी है दिल्ली जाके, यहाँ तो धुलेगी नहीं भाई, यहाँ तो ऐसी चलेगी अभी। बवाक नहीं है भाई, ग्रीन हाउस बना हुआ, पूरा ग्रीन हाउस बना हुआ है, एकदम बवाक हो रही है। खड़े हो गए भाई दोबारा जाम में आके, जाम है भाई पिछले 16 मिनट का जाम है ये, अच्छा खासा जाम है। और ये वो नहीं है नैनीताल एंट्री वाला जाम नहीं है ये, पता नहीं यार क्या है, आगे जाके देखेंगे। भी बैठा हुआ बाइक वाला क्रॉस कर रहा था, आते आते बचा उसके टायर के नीचे, छोटा सा है ये रहा, ये वाला ये फिर क्रॉस कर रहा है, फिर भागा वापस। छोटा सा है वो बेचारा, क्रॉस नहीं कर अंदर। यार ये आड़ू लेने आ रहा है यहाँ से, ये आड़ू पड़ा हुआ है रोड पे, भूख लग रही है इसको, आड़ू लेने आया है ये। आधा घंटा लग गया भाई, आधे घंटे बाद आप खुला है जाके जाम, और था कुछ नहीं, एक राउंड अबाउट था बस, राउंड अबाउट में ही ट्रैफिक इतना था कि वो निकल नहीं पा रही थी गाड़ी। भी नहीं, अभी भी आगे भी है भाई ये तो। अच्छा पुलिस ने रोका हुआ है यार, पतली है ना रोड, एक एक करके ट्रैफिक निकाल रहे हैं, अभी हमारा निकाल रहे हैं फिर उनका निकाल। लोगों को यहाँ भी चैन नहीं है, लोग यहाँ भी ना ओवरटेक कर करके भगाते हैं गाड़ियाँ। आगे ट्रैफिक चला है, मैं नहीं चला था, पीछे वाला ओवरटेक करके आगे लगा दिया। नहीं तो लोला जाम 8 मिनट का, पूरा लाल है ये नैनीताल में लेक है, और 4.4 किलोमीटर 27 मिनट दिखा रहा है ये। मॉल रोड पर पूरी पीली हुई पड़ी है, एंट्री करो ना यार तो 110 रुपये लगता है मॉल रोड में एक बार गाड़ी लेके आने का, दोबारा होगा दोबारा लगेगा। ये है हमारा व्यू सबसे ऊपर ये वाला, मौसम तो बहुत सुंदर है रखा भाई। और अपन गए थक बहुत ज्यादा, कांची धाम हो गए, इतना ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक भाई, रेल बन गई एकदम। अब हिम्मत नहीं थी भाई, मेरा मन था एक बारी कसार देवी जाने का बट अब नहीं जा पाया यार, हिम्मत टूट गई भाई, क्योंकि वहां से 2.5 घंटे का और रास्ता था आगे, तो मैंने कहा वहां छोड़ते हैं और वहां किसी और दिन मनाएंगे, अगले ट्रिप में मनाएंगे, बट अभी तो चलते हैं सीधा रूम में, मुँह धो के फ्रेश होते हैं, निकलते हैं माल रोड की ओर। और फूल देखो क्या बढ़िया मौसम हो रखा है, एकदम बारिश वाला ऐसा लग रहा है, बस बारिश आई आई, बहुत बढ़िया, बहुत तेज हवा भी चल रही है। अभी कल का टैक्सी वाले भी अभी कह रहे थे कि पिछले 2-3 दिन से बारिश हो रही थी काफी तेज, कल ही नहीं हुई थी, आज भी पूरा पूरा अंदेशा लग रहा है बारिश का, सारा लेके निकलना पड़ेगा नहीं तो भीग जाएंगे। और ये आ गई हमारी शटल जो हमें लेके जाएगी मॉल रोड, मौसम तो बढ़िया हो ही रखा है, धूप भी और बादल भी है। आधे घंटे की नींद मार के हम फ्रेश होके फिर चल पड़ेगा लंच करने, कितने बजे 4:05 पे पीटा खाने का मन हो रहा है, चॉकलेट रूम आ रहे हैं, लगता अच्छा रहा देखने से। चिकन और ये हॉट चॉकलेट जिसमें हॉट चॉकलेट की खत्म होने वाली है। कर लिया लंच यार, द चॉकलेट रूम अच्छा था, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है यहाँ पर सभी जगह, क्वांटिटी भी कम होती है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट टेस्ट बहुत बढ़िया उसका। कैसा लगा ही? सही था, पिज़्ज़ा डेजर्ट पैपी डेजर्ट प्लेस, डेजर्ट प्लेस में पिज़्ज़ा हिसाब से ठीक था, मतलब यहाँ पे चार्ज नहीं है, चार्ज ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है यहाँ पर,
जैसे मसूरी शिमला में तो बहुत सारे कैफेज हैं, यहाँ इतने कैफे नहीं है, ये चलन है नहीं, अभी स्टार्ट हुआ है सिर्फ। पता नहीं लोग ऐसे देख रहे हैं बड़े जीवो निगाहों से मेरे को यार, जैसे मैंने कोई यंत्र निकाल दिया बाइक और पहली बार देखा भुचक्के से हो रहे हैं और ऐसे देख रहे हैं तेरी क्या ही है आयुष। और ये चंद्रमा से आया, चंद्रमा से आया, सलाम कोई करनी ना, सब भुचक्के होकर देख रहे हैं। क्या बढ़िया मौसम हो रखा है, और ये देखो नीचे पता क्या है, सारी फिशेज हैं ये। इस मौसम के साथ कॉफी पीने की बात ही कुछ और है। मुझे की बात बताऊं, हमारे होटल में ना इन्होंने साबुन की चक्की भी नहीं थी। अब आयुष को भेजा है, मैंने कहा वहाँ जा सामने और वहाँ से पीएस की चक्की लेके आ। काफी डिफरेंट पॉट होल्स हैं यहाँ पे, दिल्ली में ऐसे देखने को मिलते नहीं है। एंड अच्छा एक और चीज बता दो मुझे की, अगर आप न्यूयॉर्क जाओ ना, न्यूयॉर्क में काफी पॉट होल्स में मेड इन इंडिया लिखा होता है। फोटो लगा दूंगा स्क्रीन पे, तो काफी मतलब ठीक है, अच्छी बात है कि बाहर जाके भी देश का लोग दिख रहा। यहाँ पर भी ना यार गोवा वाला कल्चर आ गया, स्कूटीज रेंट पे मिलती है, सारी लाइन में खड़ी हुई है। एक्चुअली है क्या, बाहर गाड़ियाँ जो है वो पार्क कराती हैं बाहर, जिनकी होटल में पार्किंग नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ के स्कूटी रेंट पे लेंगे। उस वजह से क्या है, रश बहुत बढ़ गया मॉल रोड पे स्कूटीज का, बहुत ज़्यादा। मतलब जितनी स्कूटी दिखती है ना यार, 80% उसमें से टूरिस्ट वाली होती है। देखो ये होटल आ गए यार, थक टूट के बुरी तरह, थकावट की हालत देखो आज की, सारी बोतलें फटी पड़ी हैं, थैले फटे पड़ी हैं और बोतल हाथ में पकड़ी हुई है। चलो यार आ गए हैं तो डिनर होटल में करेंगे, थक गए, वाईफाई की स्पीड नहीं आ रही भाई बिल्कुल भी। ये देख लो ये है जियो, और भाई आईपीएल नहीं चल रहा है, फाइनल ये, है ये मैंने हॉटस्पॉट दिया हुआ अपने फोन से, ये वाईफाई इनका वैसे ही नहीं साला चलता, इनका वाईफाई ले लो वो उससे भी स्लो है। और अगर मैं एयरटेल दिखा दूं, ये एयरटेल है, लोड होने को नहीं आ रहा भाई, एयरटेल पेज ही लोड नहीं हो रहा है एयरटेल पे, ना जियो ना एयरटेल ना इनका वाईफाई, दिक्कत है भाई। और ओवरऑल फाइनल आ रहा है नैनीताल का ही सारा, मेरे को बोलते ना मॉल रोड पे सिग्नल ढंग से आ रहे हैं जियो एयरटेल के, ना यहाँ आ रहे हैं ना इनका वाईफाई चल रहा है कल से। पूरा फाइनल निकल, आधे सारा निकल चुका है और यहाँ पेज नहीं लोड होने को आ रहा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो यार प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट करें, बगैर बिल्कुल मत जाना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि पता रहे नेक्स्ट ब्लॉग कब आ रहा है। एंड कंटिन्यू वॉचिंग, जय हिंद।